तो दोस्तों ये है केट्स पॉइंट ऑफ महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में लगभग ऐसी ही 30-35 जगहें हैं। महाबलेश्वर काफी वास्ट है और अगर आप यहां पहली बार आ रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा जगहें देखनी है और वो भी कम टाइम में। और इसी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा पॉइंट जहां आपको जाना नहीं चाहिए। यस, आपने सही सुना, जाना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द 10 प्लेसेस यू मस्ट सी इन महाबलेश्वर एंड पांचगनी। अगर आपको नेचुरल खूबसूरती पसंद हो, अच्छे लैंडस्केप्स देखना पसंद हो, तो आप इस डचेस रोड पर स्थित पॉइंट को जरूर विजिट कर सकते हो। यहां आपको कृष्णा रिवर वैली का पूरा व्यू मिलेगा। आप यहां से धूम डैम भी देख सकते हो और कमलगढ़ फोर्ट भी। इस पॉइंट का नाम केट्स पॉइंट है और इस पॉइंट का नाम ब्रिटिश एरा के सर मैल्कम की बेटी केट्स के नाम से रखा गया है और इस पॉइंट पर आप लगभग 1 घंटा बिता सकते हो। आगे डचेस रोड के एंड पर मिलेंगे आपको 3 लाजवाब पुरातन मंदिर। यहां हमने एक गाइड लिया जिसने हमको तीनों मंदिर ले जाने और उनके बारे में जानकारी देने का तय किया। आप भी यहां गाइड ले सकते हो, लोकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है और आपको मिलती है जानकारी। इसके साथ साथ आपको पॉइंट घूमने और जाने में बहुत आसानी हो जाती है। इस मंदिर का पानी 5 नदियों से आता है जिसमें कृष्णा, कोयना, वेन्ना, गायत्री और सावित्री जैसी नदियां हैं। मंदिर के अंदर यहां पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए हमने हमारा कैमरा बंद कर दिया। पंचगंगा मंदिर देखकर हम अगले मंदिर की ओर चल दिए। अगला मंदिर एक पुरातन शिव मंदिर है। इसी मंदिर के नाम से पूरा महाबलेश्वर जाना जाता है। इस मंदिर के अंदर भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। मंदिर के अंदर आपको बहुत सुकून और शांति मिलेगी। अब हम जा रहे हैं अगली जगह पर। इस मंदिर पर जाने का रास्ता अभी ज्यादा खूबसूरत बनाया गया है। ये मंदिर बिल्कुल ही काले पत्थर से बनाया गया है और अंदर जाओगे तो यहां पर भी पंचगंगा मंदिर जैसा ही कुंड है। इस कुंड में कृष्णा नदी का पानी आता है, इसीलिए इस मंदिर का नाम कृष्णाई मंदिर है। ये मंदिर बिल्कुल ही कृष्णा वैली को फेस करता है और इस मंदिर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैनेज करता है। यहां पर हमने थोड़ा समय बिताया, कृष्णा वैली को देखा और आगे निकल गए। वक्त हो गया था और हमें अब ऐसे पॉइंट पे जाना था जहां से शाम सबसे ज्यादा रंग भरी और खूबसूरत दिखाई दे। ये पॉइंट ओल्ड महाबलेश्वर में है और यहां आपको फ्री पार्किंग मिल जाएगी। इस पॉइंट पर काफी भीड़ थी और ग्रुप्स में काफी लोग जमा हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो सब किसी का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा वक्त था हमारे पास, इसीलिए हमने हॉर्स राइडिंग भी की। तो दोस्तों यही है महाबलेश्वर का फेमस सनसेट पॉइंट। इसे बॉम्बे पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां हर दिन एक इवेंट होता है जिसकी टिकट पूरी तरह फ्री है। बेहद खूबसूरत सनसेट के बाद शाम हो गई थी और भूख भी लगी थी, तो हमने सोचा क्यों ना महाबलेश्वर में कुछ खाया जाए। हमने पीटर डोनट्स में कुछ खाया और कॉफी पीकर रिफ्रेश हो गए। नजदीक ही महाबलेश्वर मार्केट था, सोचा क्यों ना कुछ शॉपिंग कर ली जाए। और यही है हमारी अगली जगह। यहाँ पर जगह जगह फूड स्टॉल्स है जहां आपको कुछ ना कुछ खाने को मिल सकता है। ये है बगीचा का आउटलेट। इसका मेन आउटलेट इस वीडियो के आगे हम आपको दिखाएंगे।
मार्केट में कुछ शॉप्स है जहां आपको अपैरल्स मिलेंगे, कपड़े, वूलन्स, बेडशीट्स, पिलो कवर्स, ये सब चीजें मिलेंगी। महाबलेश्वर मार्केट में वीकेंड्स पर और शाम को 7 बजे के बाद बहुत हलचल होती है। हमने मार्केट में शाम को सिर्फ विंडो शॉपिंग की और एक्चुअल शॉपिंग के लिए दूसरे दिन मॉर्निंग में आ गए। सुबह में पार्किंग लॉट के आगे ही पूनम रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आकर हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया। सुबह का मार्केट ऐसे दिखाई देता है, यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं होते लेकिन शॉपिंग करने में बहुत आसानी होती है। महाबलेश्वर मार्केट की दूसरी ओर कुछ कश्मीरी दुकानें हैं जहां पर हमने पॉन्चो, ड्रेस मटेरियल, ये सब चीजें खरीदी। मार्केट में शूज और चप्पल की कई दुकानें हैं, हमने यहाँ पर भी शॉपिंग किया। यहाँ पर आपको आसानी से 450 से लेके 1000 तक फुटवेयर मिलेगा। महाबलेश्वर के चने और सिंगदाने बहुत फेमस है। आपको यहाँ मसाला, पुदीना, लेमन चना, बहुत सारे वैरायटीज चने और सिंगदाने के मिलेंगे। दोस्तों, इतनी शॉपिंग करके तो किसी को भी भूख लगी, तो हम निकले लंच करने। महाबलेश्वर में आकर क्या कोई मैप्रो गार्डन्स को भूल सकता है? मैप्रो गार्डन्स यानी कि महाबलेश्वर प्रोडक्ट्स, ये जाना जाता है अपने लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स के लिए। गाड़ी पार्क करके आपको अंदर आने के लिए थोड़ा चलना होगा। अगर आपने हमारा पुणे टू महाबलेश्वर रोड ट्रिप का वीडियो देखा होगा तो मैप्रो गार्डन्स पुणे टू महाबलेश्वर के बीच में आता है। अगर आपने हमारा पुणे टू महाबलेश्वर वीडियो नहीं देखा तो प्लीज इस वीडियो के एंड में उसे जरूर देखिएगा। मैप्रो गार्डन्स में आप शॉपिंग भी कर सकते हो, सिरप्स, चॉकलेट्स, कैंडीज, स्वीट, बहुत सारी चीजें और इनकी कई वेराइटीज भी। यहाँ के रेस्टोरेंट में आप सूप्स, पिज्जा, सैंडविचेस, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम्स, शेक्स और कॉफी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर करके आप सीट पर आपकी जगह पर बैठ सकते हो या फिर मैप्रो गार्डन्स में सैर कर सकते हो। यहाँ पर घूमने के लिए स्ट्रॉबेरी फार्म्स, लोटस पॉन्ड्स और फोटो बूथ्स है जहां आप फोटोज ले सकते हो। मैप्रो में सेल्फ सर्विस है, ये 16 इंच का पिज्जा खाकर, सैंडविच खाकर और यमी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाकर हमारा पेट भर गया था। यहाँ हर साल अप्रैल में गुड फ्राइडे पर स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल होता है। आप भी आपके ट्रैवल प्लान में मैप्रो गार्डन्स को ना भूलें। अब चलते हैं आगे। मैप्रो गार्डन से लगभग 20 मिनट पर पंचगनी में है एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटो। ये कुछ 5 प्लेटोज से बना हुआ है और ये प्लेटोज इतने बड़े हैं कि जनरली सब टूरिस्ट सिर्फ एक ही प्लेटो देख सकते हैं। घूमते वक्त सबसे पहले आपको एक तालाब दिखाई देगा और यहां से भी दूर के व्यूज अच्छे दिखते हैं। यहां पर बाजीराव मस्तानी जैसे मूवीज का शूटिंग भी हुआ है। कहते कि यहां पर पांडवों के पैरों के निशान है। यहां पर कुछ केव्स भी है और आप भी इन्हें विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये है एशिया के सेकेंड लार्जेस्ट प्लेटो यानी कि पंचगनी के टेबल लैंड का सनसेट। है ना ये ब्यूटीफुल? चलो निकलते हैं आगे। ऐसे सफर में एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। बच्चों के लिए आप जा सकते हैं महाबलेश्वर पंचगनी के रास्ते पर एक वैक्स म्यूजियम में। यहां हमने कई वैक्स स्टैचूज देखे, कईयों के साथ तो फोटो भी खिंचवाए, बड़ा मजा आया। इस वैक्स म्यूजियम को लगकर एक गो कार्टिंग और एक्वेरियम भी है जो रात के 9 बजे तक खुला रहता है, आप वहां पर भी विजिट कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था कि मैं आपको ऐसा पॉइंट बताऊंगा जहां पे आपने जाना नहीं चाहिए, ये पॉइंट हमारे हिसाब से है विल्सन पॉइंट। इस पॉइंट पर जाते वक्त हमारी गाड़ी खराब रास्ते की वजह से ही बीच में अटक गई थी। गाड़ी को छोड़कर हमें आगे पैदल चलना पड़ा। ऊपर जाकर भी कोई स्टॉल्स नहीं है, कोई लोग नहीं है, ये पॉइंट एकदम ही लोनली है। ये है महाबलेश्वर का विल्सन पॉइंट। यहाँ कुछ पुरानी फैक्ट्रीज और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। यहाँ का टावर बहुत अच्छा दिखता है लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही स्पूकी वाइब्स मिलेंगे। तो दोस्तों, हमारे हिसाब से ये पॉइंट आप अवॉइड करें तो ही अच्छा होगा। किसी को अगर ऑफबीट लोकेशन या स्पूकी वाइब्स चाहिए
तो वो विल्सन पॉइंट पर जा सकता है। अब बचे हैं लास्ट के तीन जगह, ये तीनों ही बेस्ट हैं। इन तीनों जगहों को महाबलेश्वर में आपने विजिट करना चाहिए। मार्केट से कुछ ही दूरी पर यह जगह है, नजदीकी पार्किंग है जहां आप 50 रुपए में आपकी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। जब आप यहां आते हो तो सबसे पहले आपकी नजर बाहर के कॉर्न स्टॉल्स पर जाती है। यहां पर कॉर्न की बहुत सारी वैरायटीज मिलती है। सीजन में आपको यहां पे स्ट्रॉबेरीज भी मिल जाएंगी। आप यहां बेबी कैरेट्स, बीट रूट्स भी खा सकते हो। यहां पर रोइंग और पैडल दोनों बोट्स मिलती है, लेकिन सबसे पहले आपको टिकट लेना होता है। फिर लाइफ जैकेट पहनकर हम हमारी बोट में बैठ गए। हमने रोइंग बोट ली और अगर आपको रोइंग के साथ एक आदमी की जरूरत है जो रोइंग कर सके तो 200 रुपए के हिसाब से आपको मिल जाएगा। यहाँ एक पुरानी जेटी हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर कमर्शियल फिशिंग नहीं अलाउड है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज यहाँ से आप देख सकते हैं। लगे आ तो आप भी रोइंग ट्राई कर सकते हो। दूर दिखने वाला वो टॉवर विल्सन पॉइंट का टॉवर है। देखते देखते हम काफी दूर आ गए थे। ये है महाबलेश्वर का वेन्ना लेक। दूर तक कोई नहीं और किसी की आवाज भी नहीं। पानी में तैरती हुई सूरज की किरणें देखते रहने का अनुभव बहुत ही अनोखा है। यहाँ से भी आपको सनसेट अच्छा दिखाई देगा। और यहीं पर रुकने का हमारा बहुत मन कर रहा था, लेकिन शाम होने आई थी और आगे भी चलना था। ये है बगीचा का मेन आउटलेट और ये एकदम मेन रोड पर है। यहाँ आपको पंजाबी क्विजीन, थाली, स्ट्रॉबेरी विद आइसक्रीम्स और मिल्कशेक्स मिलेंगे। इनकी सर्विस भी काफी अच्छी है और फास्ट है। इस भीड़ से समझ जाता है कि हम एक पॉपुलर पॉइंट के नजदीक आ रहे हैं। पार्किंग करके आपको इस पॉइंट पर जाने के लिए थोड़ा चलना होगा। ऐसे इसे क्वीन ऑफ पॉइंट्स नहीं कहा जाता। शुरुआत में चलना थोड़ा आसान है क्योंकि आपको उतार मिलेगी और जैसे जैसे आप करीब जाओगे तो थोड़ी सी चढ़ान है। रास्ते में कई स्टॉल्स है जहां आपको कॉर्न, चना, सिंगदाने ऐसे खाने को मिल सकता है, लेकिन ये हम आते वक्त खा सकते हैं। ब्रिटिशर्स के जमाने में यहाँ एक ऑफिसर ने अपने वाइफ और छोटी बच्ची को सावित्री रिवर में खो दिया था। कहा जाता है कि उनकी याद में हमेशा वो ऑफिसर इस पॉइंट पर बैठा रहता था, इसीलिए इस पॉइंट का नाम आर्थर सीट पॉइंट हो गया है। अब हम पहुंच गए हैं आर्थर सीट पॉइंट पर और वो जो आगे दिख रहा है कहते हैं कि वही पत्थर आर्थर सीट है। यहाँ की वादियाँ और यहाँ से दिखने वाले पर्वतों की परतें और इन पर्वतों के बीच से जाती हुई नदियां, क्या खूबसूरत नजारा है। सूरज को भी बादलों ने ढक दिया है, फिर भी मानो झांक कर देख रहा हूं। अब चलते हैं हमारे आखिरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर। दोस्तों, हमें आशा है कि आप अगर महाबलेश्वर आओ तो इन 10 जगहों को जरूर विजिट करें। अगली जगह पर हम दोपहर में पहुंच रहे थे। दोपहर में धूप होती है, लेकिन इस जगह आपको धूप महसूस नहीं होगी। पार्किंग में गाड़ी पार्क कर आपको 25 रुपए का पर पर्सन टिकट लेना होता है। इस जगह को विजिट करने के लिए आपको थोड़ा चलना होगा, लेकिन यह रास्ता एक बेहतरीन नेचर वॉक है। हर तरफ घने पेड़ हैं और बीच में से है ये रास्ता। ये है दो, जहां पर हमने थोड़ा समय बिताया, यहाँ के व्यूज देखे और आगे चल दिए, क्योंकि मेन जगह तो अभी देखनी बाकी थी। चलते वक्त कई परिंदों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन हरियाली इतनी घनी है कि वो दिखाई नहीं दे रहे थे। यहाँ आने का बेस्ट टाइम इज फ्रॉम सितंबर एंड टू नवंबर।
अब हम पहुंच रहे हैं एक बहुत ही सुंदर नजारे को देखने, जो है महाबलेश्वर का लिंगमाला वाटरफॉल। बहुत ही प्यारा वाटरफॉल है और यहाँ की वैली भी बहुत खूबसूरत और हसीन है। हमारा अगला वीडियो महाबलेश्वर के टॉप पॉइंट्स के बारे में है, उसे देखना ना भूलिए। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रोड स्टोरी।